दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के घर के अंदर जिया शंकर की बदतमीजियां दिनों दिन बढ़ती जा रही है। दोगली तो वो ऑलरेडी बन ही चुकी है, लेकिन आपको बता दें कि घर के अंदर इस समय जिया शंकर की बदतमीजियां काफी ज्यादा बढ़ रही है और इसी को देखते हुए फुकरा इंसान ने भी जिया शंकर को कड़ा सबक सिखा दिया है, क्योंकि कैप्टनसी के चलते फुकरा इंसान यहाँ पर किसी की सुनकर नहीं लेने वाले। दरअसल दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के लाइव फीड में घर के अंदर इस समय जिया शंकर और फुकरा इंसान के बीच में काफी बड़ा झगड़ा हो गया है। हुआ कुछ यूं था कि यहाँ पर जिया शंकर और जेड हदीद अपने बर्तनों को धोने की ड्यूटीज कर रहे थे और इस दौरान अविनाश और जो फलक है उन्होंने खाना नहीं खाया था, उनका खाना बर्तनों में ही पड़ा था, जिसके चलते जिया शंकर ने घर के कप्तान यानी कि फुकरा इंसान को कहा कि आप ये बर्तन खाली करवा दीजिए ताकि हम इन बर्तनों को धो सके। इस दौरान दोस्तों फुकरा इंसान ने जाकर बाहर गार्डन एरिया में अविनाश और फलक को कहा कि आप लोग अपना खाना प्लेट में डाल लीजिए और उन बर्तनों को खाली कर दीजिए ताकि जिया और जो हबीबी है वो अपने बर्तनों को धोकर अपने काम से फ्री हो। इस दौरान दोस्तों फलक ने कहा कि मैं अपने बर्तन खाली नहीं करने वाली, अभी मुझे अभी खाना नहीं खाना, मैं बाद में खा लूंगी, तुम ऐसा करो जिया को बोल दो वो खाली कर लेगी या फिर हबीबी को कह दो वो खाली कर देंगे अपने आप बर्तन। लेकिन दोस्तों फुकरा इंसान ने जब ये बात आकर जिया को कही तो जिया ने यहाँ पर अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए और फुकरा इंसान पर भड़कते हुए कहा कि देखो ऐसी बात है कि मैं किसी का काम नहीं करने वाली, मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ, जिसका काम है उसको जाकर बोलो बर्तन खाली करके दे। अब यहाँ पर दोस्तों फुकरा इंसान ने जिया को पहले तो प्यार से समझाने की कोशिश की और कहा कि क्या हो गया, वो आपकी दोस्ती तो है, अपने दोस्त के लिए आप इतना सा काम नहीं कर सकते। लेकिन जिया ने इस चीज़ के लिए साफ मना कर दिया, जिसके बाद में फुकरा इंसान ने भी भड़कते हुए फलकनाज को आदेश दे दिया कि चुपचाप अपने बर्तन खाली करो और दे दो। जिसके बाद दोस्तों यहां पर फलकनाज और जिया शंकर के बीच में भी अब झगड़ा हो गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये झगड़ा कहां तक बढ़ता है। फिलहाल दोस्तों फुकरा इंसान का कड़ा जवाब जिया को आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए।